शायद इस वजह से और आज मैं फाइनली ब्रेड नहीं खाऊंगी बिकॉज मैं कब से ब्रेड खा खा के एक ब्रेड बन चुकी हूँ और आप लोग भी कहते हैं कि आप जो है वो रोटी नहीं खाती तो आज मैं पराठा खा लेती हूँ आप लोगों की पुरसरो पुरजोर परमाहिश पे, ना आज मैं पराठा खा लेती हूँ तो चलिए मैं किचन में चल रही हूँ आप लोग भी मेरे साथ चलिए सी से के, क्या बनता चला जा रहा है किचन में एंटर होते ही सबसे पहले हम पराठा बना लेंगे आज ब्रेड इसलिए नहीं खा रही क्योंकि ब्रेड खा खा के अब मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी होती जा रही हूँ वीक फील कर रही हूँ लो फील रही हूँ इसीलिए दोबारा से अच्छा फील करने के लिए और अपने आप को पहाड़ बनाने के लिए मैं आज पराठा खाऊंगी और वैसे भी आप लोगों ने भी कहा था कि आप जो है वो रोटी नहीं खाती और आप लोगों की भी पुरजोर फरमाइश पे आज मैं पराठा खा रही हूँ वैसे तो मैं पराठा इसलिए नहीं खाती क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बहुत जल्दी वेट गेन होता है मेरा तो बहुत जल्दी होता है तो इसलिए मैं रोज़ रोज़ पराठा खाना अवॉइड करती हूँ बट आई लाइक पराठा एंड अभी मेरा बहुत अमेजिंग सा पराठा बनता चला जा रहा है जो कि आप लोग देख रहे हैं और साथ में ये है ऑमलेट इसको मैं विस् कर लूँगी तो मेरी सैरी अभी रेडी हो गई है और मैं ये सोच रही थी कि अब की बार रमदान कितनी जल्दी गुजर गए मतलब अभी तो आए थे और इतनी जल्दी जल्दी टाइम गुजर रहा 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 है 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 कि आज 19 रोजा है और पता नहीं नहीं चला लाइक like, सीरियसली जा टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मेरा पराठा बन रहा है लेकिन अभी मैं उसकी वीडियो नहीं बना रही बिकॉज एक बार हम आलू का पराठा बना रहे थे उसे जब फ्लिप करा तो उसका तेल मेरे ऊपर आ गया था तो ये बात मुझे डर लगता है ना मुझे तो इसलिए मैं नहीं जा रही उस तरफ ट्रॉमा सा हो गया है मैं मैं नहीं जा सकती तो ये मेरी सैरी तो तो ये मेरी सैरी रेडी हो चुकी है ऑमलेट ईट समथिंग न्यू अरे मैं तो फिर से भूल गई चाय लेना वेयर इज माय चाय मैंने चाय नहीं पी इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सर में जो है वो दर्द हो गया So, मेरी मेरी चाय भी आ चुकी है। I love drinking tea. ये मेरी सेरी आप लोग देख सकते हैं मैंने सोचा पास से वीडियो बना लेते हैं बहुत अमेजिंग लग रही है क्लोज अप हो जाएं तो अब हम सैरी कर लेंगे टेबल पे मैं आ गई थी और यहाँ पे जो है मैंने पराठे खाए मजा ही आ गया पराठा खा के किसको अच्छा नहीं लगता वैसे भी मैं बहुत टाइम बाद पराठा खा रही थी और बड़ा अच्छा लगता है पराठा खा का के काश मैं रोज़ रोज़ पराठा खा सकती होती लेकिन पराठा अगर आप रोज़ खाएँगे तो आप बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं ये मेरा मानना है अब कुछ लोगों को कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ भी खा लें उन्हें लगता नहीं है और फिर उसके बाद मैंने खजूर खाने का सोचा लेकिन ये ख़राब था और फिर इसको खा के मेरा मूड ख़राब हो गया क्योंकि ये तो ख़राब था उसके बाद हमने पानी पिया और पानी पीते ही हमें ये पता चला पिया। भी तो में टाइम था और अचानक से पता चला कि टाइम नहीं है जल्दी जल्दी इतना पानी पिया कि बस अब ऐसा लगा कि बस आज ही फटूंगी और उसके बाद पानी पूरा पी लिया फिर ये पता चला ही। मैं तो ही नहीं, नहीं अब थोड़ी कर फिर हमने उठाई प्लेट्स और मग और ये बर्तन धोने का और उठाने का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता ये बर्तन धुलते रहते हैं सारी जिंदगी कब खत्म होगा ये सिलसिला फजर की नमाज पढ़ ली और फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप लोगों को पता है कि तस्वीर पढ़ना जरूरी है तो मैं जरूर तस्वीर पढ़ती हूँ और आप लोग मुझे ये बताइए कि ये वीडियो लाइट में अच्छी लग रही है या फिर बिना लाइट के मैंने दोनों तरह से रिकॉर्ड करी थी एक में लाइट थी एक में लाइट नहीं है मुझे लग रहा है कि बिना लाइट वाली ज़्यादा इस लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी वीडियो अच्छी है लाइट वाली या बिना लाइट वाली उसके बाद तस्वीर पढ़ने के बाद मैं सो गई जा नमाज पे और उसके बाद हम उठे फिर हमने लाइट ऑफ कर दी और उसके बाद जादू से आप लोग देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है तो नेक्स्ट डे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई कैमरा लेके बिकॉज़ मैंने अपनी कोई भी वीडियो नहीं बनाई कि मैं किचन में जा रही हूँ ये सब क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी और मुझे लगा था सैरी में पराठा खाने से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी जबकि मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आई और सुस्ती काहली आ गई मुझे नहीं समझ आता ये क्या है और मैं बहुत ज़्यादा जो है ब्लो फील कर रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सो जाऊँ बहुत ज़्यादा सो जाऊँ लेकिन क्या करें सो नहीं सकते वैसे भी रमदान है वैसे तो रोज़ेदार का सोना भी सवाब होता है लेकिन इतना भी नहीं सोएं कि आपकी नमाज़ें ही निकल जाएं तो अभी यहाँ पे ये पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं आलू के पकौड़े आप सब में से किस किस को पसंद है कि हमने डिफरेंट रेसिपी से बनाया था साथ में पालक के पकौड़े तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो अवतार की टेबल पर चार चांद लगा देती हैं तो आप लोग देख सकते हैं कैसी अमेजिंग सी हमारी स्टार टेबल सेट हो गई है और अम, मैं बस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी थी ऊपर से मैं लेट उठी थी तो कोई होश नहीं था बिल्कुल मदहोश थी थी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग और सब कुछ आज बहुत ज़्यादा अच्छा था हमेशा की तरह जैसे हमेशा होता है तो बस अब हम जो है वो टेबल पे बैठ जाएंगे और इफ़ार का वेट करेंगे तो यही सारी बातें हैं रमदान की जो बहुत अच्छी होती हैं और ये सोच के कि रमदान अभी थोड़े दिनों बाद जाने वाले हैं ये सोच के बहुत ज़्यादा अभी से सैडनेस फ़ील हो रही है बिकॉज़ फिर ये सब चीज़ें नहीं होंगी इफ्तार का टाइम हो गया था और आज हमने मिंट नए नहीं बनाया क्योंकि रोज़ रोज़ मीठा सही नहीं है तो आज हमने पानी ही जो है वो पिया और साथ में पपाया और योगर्ट भी खाया क्योंकि पपाया और योगर्ट बहुत अच्छा होता है और आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिएगा ये नई चीज़ मुझे पता चली है और जब से मैंने खाया है आई एम अमेज्ड कि ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है तो बस हमने इफ्तार किया उसके बाद यही सब है और आज थोड़ी ब्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल आई वॉज़ फीलिंग वेरी वेरी लो इस वजह से मैंने भी बीच में हमारे लतीफे भी चलते रहते हैं तो बस अब टेबल पे से उठ जाएंगे और बर्तनों को भी जो है वो जगह पे रख देंगे तो आई I मीन mean, बर्तन धो लेंगे तो यही सारे काम जो चलते रहते हैं और बर्तन धोने वाला सिलसिला कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता वही ये क्या सिलसिला है ये मुझे समझ में नहीं आता और आप लोग देख सकते हैं कि पीछे हमारे ये शॉपर्स पड़े हुए हमें टेलर को कपड़े देने जाने हैं लेकिन हम रोज़ जो है वो सोचते हैं अब जाएंगे अब जाएंगे और हम जा ही नहीं पाते क्योंकि इफ्तार के बाद बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कहीं जाने का अब तो सीधा बिस्तर पर जाके गिरते हैं तो कैसे हम सोच सकते हैं कि अब हम टेलर के पास जाएं और जाना ही नहीं हो रहा और मुझे लगता है कि जब हम टेलर के पास जाएंगे ना तो वो कहेगा कि अब जो है Uh, आप लोग बहुत देर में आए <laughs> तो या दैट इट फॉर इस लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज